हेलो गाइस, मैं आपको द गेमिंग वर्ल्ड आपके लिए एक कौन नया वीडियो लाया है पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड का। आज हम पहला जिम मैच करने वाले हैं और बग सिटी का पहला जिम मैच करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पांचवा पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फर्स्ट जिम मेडल जीत जाऊँ और थोड़ा इससे आगे भी जाऊँ। तो जिम मेडल के आगे देखना पड़ेगा क्या होगा, कैसा है। इससे नो रीजन का तो खेला है आगे, तभी भी थोड़ा तो न्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें फंस जाते हैं। हम लोग अधिकतर इसके जिम में बहुत फंसना पड़ता है। चाहूँ तो एक में क्लियर स्ट्रेट भी जा सकता हूँ, इसमें ऐसे भी है। तो स्टार्ट करते हैं गेम अपना। स्टार्ट किया गाइस, स्टार्ट स्टार्ट कमान। ओ ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही है क्या? ठीक है, एक बार अपना पोकेमोन सेंटर में जाके पोकेमोन का हेल्थ फुल करवा लेते हैं। सिक्स पोकेमोन है गाइस। मैं बस एक जियो डूट रखा था, जूबैर को हटा के कोई फायदा नहीं। चलो एक बार देखते हैं बॉक्स में कौन सा वाला पोकेमोन है गाइस। ऑनिक्स है और एक लेवल 9 का, एक जियो डूट है लेवल 6 का और एक लेवल 9 का। मेरे पास एक जूबर एक फ्लाइंग टाइप तो रखा है। चलो ऑनिक्स को रख लेते हैं अपने पार्टी में और चलते हैं इसे। चलो हम अपने और बग सिटी के वहाँ चलते हैं। जाने दो। चलो गाइस अपने फर्स्ट जिम बैटल के लिए जाते हैं। जिम का नाम एक बार पढ़ते हैं हम। ये है और बग पोकेमोन जिम, जिम लीडर रोआक। ठीक है, कॉल मी रोआक द रॉक। ठीक है, चलो देखते तुम्हारे कितनी वो है, पावर कितनी है देखते एक बार। बहुत सही रखी है, मतलब किसने अब तक किसने डायमंड एंड पर्ल खेला होगा तो उसका ये ब्रिलियंट वाला तो बहुत अच्छा है। चलिए शंकर से बात करते हैं। हाउडी, हाउ इट्स गोइंग चैम टू बी, दैट्स व्हाट आई सेड रियली प्लांटेड बॉय अर्ली टू। ओके, the gym leader is usually a rock type pokemon, okay? Well, listen, a rock type pokemon really hate water, all right? There are also grass type moves, they sure make weakness. But do not think easy, you do not get to be a gym leader without a covering for weakness. Go after a rock with a fire type pokemon won't easy either. Advice I can give to thanks to this. ओके, तो देखते हैं मैं अपना पोकेमोन लिस्टर चेक कर लेता हूँ। कर तो सकता हूँ, चिमचार के पास वो है हमारे पास गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास चिमचार के पास पावर अप पंच है, ये काम का आएगा। तो ज़्यादा लेवल अप हो जाए यार। चलो पहले ट्रेनर से बात करते हैं। यू अवॉइड द लॉन्ग वे अराउंड, लेट्स सी व्हाई यू डू दैट। ओके, मैं चाहूँ तो तुम लोग को छोड़ के भी जा सकता हूँ, डायरेक्ट उससे लड़ सकता था, अभी लड़ना है मुझे सबसे। यंगस्टर जॉनथन जरूर छोड़ा, बहुत बढ़िया है गाइस। भाई पीछे का स्टेडियम भाई शानदार है सच्ची में,
बहुत अच्छा एडजस्टमेंट किया है इन लोगों ने। चलो पावर पंच मारो। ओ ये अटैक रोज हो गया है, अटैक इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक और बार पावर पंच। ठीक है, फिर से वो हुआ है, एक और फिर से टैकल इस्तेमाल किया है। ठीक है, हेल्थ इतनी नहीं गई है, फिर से एक और पावर अपन धड़ैम कौन। जियो ड्यूड इज कौन। ओ चिंग्स लेवल हो गया 12 और आबरा भी लेवल 11 का हो गया। गाइस बाइट सीखना चाहता है। ठीक है, किससे हटाऊं बाइट। स्क्वैश क्या है, टैकल लेयर थंडर शॉक और चार्ज लेयर काम का होगा, चार्ज काम का नहीं है। चार्ज को हटा देते हैं। चलो बाइट हट गया है और आपका लेवल 11 का हो गया है गाइस, देख सकते हैं आप। यू डिफीट द यंगेस्ट जोनाथन। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डिसाइड टू बैटल विद मी। 440 रुपीज मिल गए हैं। चलो सेकंड ट्रेनर के पास जाते हैं फाइट करने। ओनली दोस हु वांट टू विन कैन चैलेंज अ पोकेमॉन जिम। ओके, आई वांट टू चैलेंज यंगस्टर डेरियस। ये डूब छोड़ा है शायद से दो पोकेमॉन है। हाँ दो ही है। एक और पावर पंच। ये अच्छा पावर पंच। फिर से उसने टैकल छोड़ा है, फिर से पावर पंच। फिर से टैकल छोड़ा है गाइस, फिर से पावर अप पंच। बढ़िया अटैक रोल्स नजर आ रहा है। चलो पहला जियो टू डू कौन 62 हो गया। ठीक है, अभी ऑनिक्स आ रहा है। चलो कीप फाइटिंग विद ऑनिक्स, लेवल 8 का है। फिर से पावर पंच। ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टैग रोज महेश ने बाइन छोड़ दिया। शेट, ये अच्छा नहीं, अच्छा मूव नहीं है। आगे के टाइम बाइन छोड़ता तो वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पावर पंच पड़ गया, पड़ गया पावर पंच। फेंटेड ऑनिक्स गॉन। लेवल अप। हाँ चिमचार लेवल 14, स्टार भी लेवल 12। वेरी गुड, चिमचार 14 का हो गया, स्टार भी लेवल 12 का हो गया। डिफीट यंगस्टर डेरियस। दिस इज ह्यूमिलेटिंग। 416 मिल गया है गाइस। What? अरे गाइज आप देख सकते हो मेरा चिमचार इवॉल्व हो रहा है। चिमचार इज इवॉल्विंग गाइज, अपना पहला पोकेमॉन इवॉल्व हो रहा है, चिमचार है वो। देख सकते हो इसका इसका इवोल्यूशन कितना अलग है, देखो ऐसे बड़ा हो। मेरा चिमचार इवॉल्व हो गया। ये चिमचार, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर चिमचार इवॉल्व इनटू मनफेनो। मनफेनो will add it to the Pokédex, ठीक है। Molfalo, oh my god, playful Pokemon is a fire and fighting type. ये तो बहुत बढ़िया बना है। Illuminating attacks expand the fire its tail to make itself appear bigger. Oh guys, और ये मैक पंच सीख रहा है guys, ये तो बजदार हो जाएगा, कोई ढंग का मूव हटाना पड़ेगा। अरे हट, टॉन को तो हटाओ भाई।
बहुत बढ़िया गाइस, स्टोन को हटा ले। और गाइस अब मेरा मन फोन विकसित हो गया। चलो एक मिनट के लिए वापस चलते हैं, मुझे ना वहाँ चलना चाहिए, ठीक रहेगा हमारे लिए। एक बार मैं पोकेमॉन सेंटर गया हूँ, फिर से मैं विक से वापस आया हूँ। जल्दी मेरा उसको वो कर दो, ठीक कर दो। कमॉन मन फ्रेंड में विकसित हो गया है अपना पोकेमॉन, मेरा चिमचार विकसित हो गया मन फ्रेंड में। ये वो एक फायर एंड फाइटिंग टाइप हो गया गाइस, इसका एवोल्यूशन तो बहुत सही है यार गाइस। चलो जिम को आराम से हराने चले। चलो एक बार सेव कर लेते हैं। चलो मन फोन से हम लड़ने जाएंगे। सेव कर लिया हमने। चलो फर्स्ट जिम लीडर से बात करते हैं। वेलकम, दिस इज ऑर्बक पोकेमॉन जिम। आई एम रोआक द जिम लीडर। आई एम बट वन ट्रेनर हु डिसाइड टू वॉक प्राउडली विथ रॉक टाइप पोकेमॉन। नहीं, मैं ब्राइटनेस रखना चाहता हूँ। एज अ जिम लीडर आई नीड सी यू पोटेंशियल एज अ ट्रेनर एंड आई ऑल नीड टू बी टफनेस ऑफ पोकेमॉन दैट बैटल विथ यू। ओके, तो पहला अपना जिम लीडर चैलेंज स्टार्ट होता है गाइस। सेम एनिमेशन टाइप। भाई तो तीन है इसके पास, अभी तीन है। जियो रूट छोड़ा, मेरे मन फ्रेंडों को छोड़ दिया है गाइस। ओह ये भाई, इसका फाइटिंग स्टैंड देखे तो मैं बहुत खुश हुआ। चलो मैक पंच का इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह, स्केल रॉक को छोड़ा है इसने। पावर अप पंच धड़ा। डिफेंस स्क्रॉल छोड़ा है, ने डिफेंस अप कर लिया है अपना। चलो मैक पंच को छोड़ा। उसने पोशन कर दिया। पोशन कर दिया है इसने। तो गाइस हमें लगता है कि एक मैक पंच और एक पावर अप पंच ही मारना पड़ेगा। पावर अप पंच धड़ा है। जियो डूड इज गॉन। और ये अपना फर्स्ट पोकेमॉन हार गया है। चलो सेकेंड पोकेमॉन कौन सा छोड़ोगे तुम? बिटफुल लेवल 10 का हो गया है। ऑनिक्स को छोड़ने वाला है। कीप बैटलिंग। मैक पंच, चलो मैक पंच को छोड़ा हमने। रॉक थ्रो छोड़ दिया, वो रॉक थ्रो छोड़ दिया है। पावर अप पंच धड़ैम। पावर अप पंच से ये ऑनिक्स भी मरा, लेवल 12 वाला। इज गॉन, इज फेंटेड। ऑनिक्स इज फेंटेड, वेरी गुड। अपना दूसरा पोकेमॉन भी हो गया है। आबरा लेवल 12 का हो गया, ऑनिक्स लेवल 10 का हो गया। ऑनिक्स लेवल 10 का हो गया गाइस। चलो अगला क्रैनी डोज को छोड़ेंगे, सेम पोकेमॉन रखते हैं। थिंग्स यू कैन बी टेक डाउन टू अवर नेक्स्ट पोकेमॉन लाइक अ पोकेमॉन। ओके, क्रैनी डोज को, क्रैनी डोज यहाँ का नया वाला है। इसके पास एक मोल्डेड पे क्रैनी डोज, इसका अलग ही है एनिमेशन से लेकर सब कुछ। सबसे पहले पावर अप पंच, अपना अटैक रोल। वन हिट के ओ। पावर है गाइस। इसने मन फ्रेंडो को लेवल 15 में कर लिया, स्टाली को लेवल 13 और चिंग्स को भी लेवल 13 का।
चार्ली लेवल 13 के हो गए ग्रीव। डबल टीम सीखना चाहती है, किस मूव को छोड़ूं। ग्राउल को कटाए, चलो ग्राउल को छोड़ाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चिंक्स भी लेवल 13 के हो गए। Who you defeat the gym leader Rorok? Oh yeah, what? What? That can't be my muffed up Pokemon. You got 1,960 rupees. Oh yeah, guys, अपना पहला gym match जीत गए हम। पहला gym match जीत गए। This is embarrassing. I went and lose a trainer who didn't have a single gym battle. Of course, but that's the story. You were strong, and I was weak. That's all there is. According to the Pokemon League rules, I have to give you our gym badge since you beaten me, the gym leader. Hence, you're the officially Pokemon League Cold badge. Okay, apna guys, ऐसे देख सकते हो किसमें ऐसा है। Shit, shoot गया यार shooting. Ooh, guys, आप देखो अचानक से है। You receive cold badge from the Rorok. Having a cold badge means you use the hidden move Rock Smash from your Pokemon. You should also take these two. Okay? You obtained TM76. क्या मिला है? Contain move Steel Rock. हाँ, वो next move. It's move that affected damage an opponent that switch into battle. These sticker I can use. Here, take some. You obtain the sticker from the Rorok's use. Incidentally, TM can be used to move to Pokemon Enhance. But TM will be break when you use to be when you want to learn the move. Okay? Pokemon card mein jaate hain. Legwar. Dekh sakte hain guys. देख सकते हो अपना पहला बैच आ चुका है। फिर दूसरा बैच के लिए हमें फ्लिप ऐसा है, कॉन्टेस्ट में भी विन नहीं हुआ, डबल मैच भी नहीं हुआ है। चलो ये गाइस, तो इसे यहाँ सेव करते हैं। सेव कर लिया। चलो थैंक यू Rorok। चलो थोड़े नए पोकेमॉन पकड़ते हैं गाइस। अपना तो पहला जिम मैच हो गया है, थोड़ा सा इस सिटी में जाके थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा चिंग्स को ट्रेन करते हैं। चलो स्वाइप किया है हमने, और ये तो पोकेमॉन सेंटर है। क्या है ये जगह, ये रूट 2000 ये गार्डन है। देखते हैं कुछ नया पोकेमॉन मिलता है कि नहीं। मिल गया, जियोडूट मिला है। जियोडूट को तो पकड़ के रखा हमने। चलो हटा देते हैं, कुछ नए पोकेमॉन्स को पकड़ते हैं गाइस। मचैम्प को पकड़ना है। मचैम्प नहीं है, लेवल 6 का है। टैकल इस्तेमाल करते हैं। लियर इस्तेमाल किया है गाइस। लोकेक इस्तेमाल किया उसने। एक और बार टैकल इस्तेमाल करो।
चलो ठीक है, इसमें फोकस एनर्जी को मिलते हैं। चलो पोकेबॉल फेंकते हैं, ये पोकेबॉल फेंक दिया हमने। प्लीज आजा 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 आजा, कमॉन 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 कमॉन, आजा 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 आजा। यस आ गया। चलो मचॉप भी हमने पकड़ लिया, मचॉप को थोड़ा एक्सपी बढ़ रहा है। मचॉप इज डाटा टू द पोकेडेक्स, इज अ फाइटिंग टाइप, इज अ ग्रैवलर, स्ट्रेंथ इज इट्स एंटायर बॉडी, यूज टू अ टाइप ऑफ मटेरियल आर्ट्स। ठीक है बढ़िया। नो टू द बॉक्स, हर एक चीज को बॉक्स में डालो। और भी देखते हैं कुछ नया पुष्पन आ गए हैं, कुछ और मचा पाए। मैं चैन पा चुका हूँ, तुम चलो जियो डूड आ गए। मुझे क्रिकेटून को पकड़ना है, क्रिकेटून एक पोकेबॉल है गाइस वहाँ। मैं चैंप आया फिर से, इसमें ऐसा ही होगा गाइस, इसमें पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हम लोग को वो करना पड़ेगा। यूट्यूब को भी रन करवा देते हैं। तो चलो करते हैं, देखते हैं कैसा है। फुटबॉल को भी ले लेंगे, अच्छे एम्पायर है। नहीं हमने मचान पकड़ लिया है, वो नहीं करना। न्यू पोकेमॉन मचान फिक्स है। मचान नहीं चाहिए, पोकेबॉल ले लेते हैं हम गाइस। चलो पोकेबॉल ले लिया हमने, चैन पाए हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, हमने पोकेबॉल ले लिया है। फिर से जियोडूड ही जियोडूड आ रहा है, जियोडूड और मचैंप आ रहा है। हमें चेक करना है कि मुझे रॉक स्मैश कैसे काम करेगा। मुझे आने दो यहाँ से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इस बंदे से बात करते हैं, कौन ये साइकिलिस्ट खड़ा है। दिस स्लोप इज स्लिपी, यू कैन नीड टू बाइक टू गेट अप। हैव बाइक देयर अप साइकिल शॉप इन इंट्रल सिटी। ओके सबसे पहले गाइस हम एक बार चेक करते रॉक्स मैच काम कर रहा है कि नहीं।
ओह, अनुज अमित आ गया, क्या हुआ अमित? बैच जीत गया हम, एंटरिंग सिटी नेक्स्ट प्लेस भी गए, राइट। सो या आई वेंट रूट 207, बट यू कैन नॉट गो थ्रू विदाउट अ बाइक, मेड माई टीम बैटल एंड टियर अप एंड हैज एंटर्ड अ वर्स्ट, सो आई एम गोइंग बैक टू जुबिलर सिटी नेक्स्ट स्टॉप टू द इंटरनल जिम बैच, ठीक है। 10 seconds बिफोर आई डैश, 9, Who got me a time to count? Okay, ठीक है, बाय। तो अमित तो चला गया, तो हम चलते एक बार अपना देखते हैं कि काम करता है कि नहीं वो। ठीक है, काम किया, एक और बार चलते एक बार काम करता है कि नहीं। ऐसे भी काम करता है, बढ़िया है। तब ऐसे भी किया तो हिडन मूव में, वो बढ़िया काम कर रहा है, रॉक स्मैश काम कर रहा है गाइस। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, प्लीज़ उस बेल आइकन में, प्लीज़ वो एक छोटा सा बेल आइकन है सामने, उसमें क्लिक कीजिए तो मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपका द गेमिंग वर्ल्ड आपको थैंक यू बोलता है, एंड पीस आउट एंड बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय बाय। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम फिर से जुबिलर सिटी जाएंगे, जुबिलर सिटी से हम एंटेलिया सिटी जाने की कोशिश करेंगे अपना सेकेंड जिम बैच लाने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कमियाँ आते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, तो देखते हैं। बाय बाय बाय, टेक केयर।